आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। महकमा सोशल वेलफेयर का ड्राइवर मनीर गुजर ऑफिसर ताहिर गुजर की आशीर्वाद से शहर फैसलाबाद में शुरू की गई भकारी मकाओ मुहिम कमाई का जरिया बन गया। महकमा सोशल वेलफेयर का ड्राइवर मनीर गुजर, जिसकी सरकारी तौर पर ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में है, पनाहगाह लारी अड्डा में गैर कानूनी तौर पर भिखारियों का इंचार्ज बन गया। आज तक लाखों रुपए भिखारियों से छीन कर करप्शन की नजर करते हुए महकमा सोशल वेलफेयर का नाम रोशन करने में मशरूफ है। सोशल वेलफेयर का मनीर गुजर नामी ड्राइवर, जिसकी सरकारी तौर पर ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में बतौर ड्राइवर है, मगर नोटों की चमक दमक और महकमे के अफसरान की सरपरस्ती से गैर कानूनी तौर पर पनाह गाह लारी अड्डा में अरसा दराज से भिखारियों का इंचार्ज बनकर ड्यूटी दे रहा है, जिसकी ड्यूटी का नोटिफिकेशन ग्रेट न्यूज की स्क्रीन कारियों से लाखों रुपए इकट्ठे करके महकमा सोशल वेलफेयर का नाम रोशन करते हुए सोशल वेलफेयर के ड्राइवर मनीर गुजर का मौकफ है कि मुझे डीसी ऑफिस से रियाज अंजम के हुक्म पर ड्यूटी पनाहगाह में लगाई गई, मगर जब रियाज अंजम से इस तैनाती के बारे में मौकफ लिया गया तो मनीर गुजर नामी शख्स के बारे में ला तालुकी का इजहार किया गया, जिस पर महकमा सोशल वेलफेयर ने भी खामोशी अख्तियार करते हुए मनीर गुजर की ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में बतौर ड्राइवर होने की ताक। महकमा सोशल वेलफेयर के फोकल पर्सन ताहिर गुजर ने खसूसी दिलचस्पी का इजहार करते हुए इस बात का इकरार किया कि ड्राइवर मनीर गुजर बगैर किसी सरकारी ऑर्डर भिखारियों को पकड़ने की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जबकि इसकी ड्यूटी बतौर ड्राइवर डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में है।